Blow the candle. And celebrations. आगे कब मुझे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भैया आज है पापा मम्मी की मेरी एनिवर्सरी। अरे युवान, आज मेरा बेटा कल से जो है ना स्लीपर्स लेके ही ऑब्सेस्ड हो गया उनसे। ओके फाइन, लेट मी स्पीक नाउ। सो भाई आज हम करेंगे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। पहले तो मुझे बनाना था केक, सामान आया नहीं है तो मैं नाश्ता वाश्ता करके जाती हूँ, पहले सामान लेके आती हूँ जो पेंडिंग सामान था। और ये आप देख रहे हैं, कल रील्स बनाने के लिए मैंने पता नहीं मम्मी का काजल लगा लिया। वो ऐसा है कि वो निकल ही नहीं रहा है आंखों से काजल। अब जा रही हूँ मेकअप रिमूवर लगाया। युवान बोलता है मम्मा व्हाट हैपेंड टू योर आईज। मैं बोला क्या हुआ, सुबह उठी था फिर देखा तो नो माय आईज ऑल ब्लैक ब्लैक, कजरारे कजरारे आंखें हो गए। तो चलिए फिर भाई नाश्ता करते, मैं दिखाती हूँ आज आपको मैं क्या स्पेशल नाश्ता कर रही हूँ और फिर जाएंगे सामान लेने। देखिए भाई आज का मेरा ब्रेकफास्ट कटलेट बना है, ड्राई फ्रूट्स एंड ब्रेड एंड चाय। उसके बाद हम लंच भी करेंगे। चलिए खाते जाइए खाते जाइए। भाई मैं आई थी नीचे केक का सामान लेने और धप्प करके ये आम गिरा था। भैया देखिए ये इसी पेड़ का आम है ये। चलिए युवान को इसको दिखाती हूँ मैं। उस दिन मम्मी भी लेके गई थी, बड़ा अच्छा था, टेस्टी था। मैं केक भी इसी में बनाने वाली हूँ। ये मम्मी ने ना वो लिया है ऑनलाइन, अभी इसका ढक्कन लगा के। ये बाटी मेकर कम गैस अवन कम ओटीजी सब कुछ है इसमें। मम्मी ने बहुत कुछ बना लिया है तो मैंने कहा अगर इस पे केक बन जाए तो मैं भी ले लेती हूँ भाई, क्योंकि भाई मुझे वो टोप रखो ये रखो उससे अच्छा तो यही चीज़ अच्छी है, ऑल इन वन। वो ओटीजी अलग से लो, ये सब की ज़रूरत नहीं है, बिस्किट वगैरह सब। तो देखिए अभी इसको गैस पर रख दिया, अब इसको थोड़ी देर गर्म करने रख रहे हैं। फिर पहले मम्मी ने बोला चलो जब तुम यूज़ ही कर रही हो तो आज हम लोग ना खाने में बाटी बना लेते हैं। तो इसमें अभी बनेगी बाटी, उसके बाद लंच के बाद मैं बनाऊंगी केक का आटा मम्मी बनाई। उसमें बस अजवाइन नमक और घी के मोयन दे के साना है। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट है, तो आपको ऐसे बनाना है। तो रोटी से भी हल्का सॉफ्ट ही रहता है, घी से वैसे भी सॉफ्टनेस आ जाती है। ऐसे गोल गोल बना के अब उसमें डालेंगे। इसमें अभी मैं रख रही हूँ और मम्मी बोल रही है कितने मिनट में बन जाता है। मम्मी दस पंद्रह मिनट में। अभी थोड़ा सा इसको थोड़ी देर बाद उलट भी देंगे, एक साइड थोड़ा रोस्ट हो जाए फिर ये। और काफी सारा एक साड़ी में आ जाता है, बहुत बड़ा वाला मम्मी ने लिया। एक साइड पे हो गया था तो अब मैं जा मम्मी इसको पलट रही है। ये जो था जो पहले नीचे गिर गया था थोड़ी सी जल गई, खाने में तो सही हो जाएगा। हमारा एनिवर्सरी स्पेशल लंच देखिए, मस्त मस्त गरम बाटी दाल और चोखा। एक्चुअली चोखा मम्मी बना दी थी और नहीं तो मैं इसकी भी रेसिपी बताती हूँ नेक्स्ट टाइम कभी, क्योंकि ये मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। देखिए बाटी को इस तरह से फोड़ दिया और आप अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये। बाहर से आपको एकदम सख्त लग रही थी लेकिन है बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, मीठी लगती है फिर खाने में। हाँ बेटा, तो देखिए भाई केक मेरा हो गया है टिन में रेडी। अब मैं जा रही हूँ इसको मेरे ओवन में रखने। हाँ भाई गर्म तो हुआ है। चलिए केक को मैंने रख दिया है, बनेगा तो लग रहा है। अब 5 मिनट इसको थोड़ा फास्ट पे रखती हूँ और फिर स्लो पे रखते हैं। केक तो देखिए मस्त एकदम रेडी हो गया है और आपसे देख रहे हैं साइड सब छूट दिया है, इसका मतलब केक इज रेडी। पर अब इसकी आइसिंग करने का टाइम तो है नहीं, लेते हैं ऐसे ही कट कर लेते हैं केक तो। भाई हम लोग हो गए हैं रेडी। देखिए आज सबका ऑलमोस्ट ग्रीन ग्रीन ग्रीन, युवान के ड्रेस में भी कुछ कुछ ग्रीन है। युवान शो योर ड्रेस, केक का फोटो नहीं ली। युवान बिजी है मम्मी के चप्पलों के साथ। अब हम लोग जा रहे केक कटिंग करने। केक का साइज छोटा है क्यों? क्योंकि मैंने जो केक बेक किया वो भी हम लोग कल परसों 2-3 दिन खाना पड़ेगा। काम करना डबल डेकर केक। देखो मेरे पापा ने क्या आइडिया दिया है। अच्छा चलो ठीक है भाई, देखो जुगाड़ू जुगाड़ू अभी आपको दिखाती हूँ। रुको जुगाड़ क्या किया है हमने, दिखाया जुगाड़। ये केक मैं ले आई है, मैंने बेक किया है। अब क्या हो गया आइसिंग वगैरह करने का टाइम नहीं था। केक का साइज आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये भी बढ़िया हो गया भाई जुगाड़ू केक हमारा। रखा है तो भाई मम्मी पापा रेडी है। 38 ईयर्स हो गए हैं इनकी शादी को और 2 साल बाद हम इनका भी 40 ईयर्स सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं जल और युवान को देखो क्या कर रहे हैं बदमाशी बेटा, आपके अलग ही लेवल पे। व्हाट आर यू वेयरिंग युवान? ये देखिए नानी के चप्पल पहन के खड़े हैं हम। बेटा आप गिरोगे ना अगर, यू विल ब्रेक योर टीथ। हां युवान चलो भाई केक काटेंगे।
यू वांट केक कट करने दे तब ओके ओके करो करो चलो चलो कट करो चलो ब्लो द कैंडल एंड सेलिब्रेशंस आगे का मुझे भी नहीं आता है हैप्पी एनिवर्सरी चलो चलो पापा यू वांट केक सिर्फ क्रीम चाटते हैं अरे रुक जा नीचे वाला केक कल कटेगा हो गया देखी थी यस I'm clicking the photos also. हाँ इसे खा दो। हाँ। दोनों हाथ लगा खिला दो। केक। करो पापा भी लगा। करे? हाँ। ओके। डॉट्स में क्लिक होता रहेगा। हो रहा है अपने आप? नहीं, you have to press the dot. हाँ, but हो रहा है कि नहीं? भाई रेडी हो के फोटो सेशन तो नहीं करने हो रहा था इतना पसीना हो गया क्योंकि फैन ऑन कर रहे थे तो भाई हमारे बाल हेयर स्टाइल खराब और युवान इतना रोहन इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है कि मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ मेरा फोन उछल रहा है आए हैं इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है कांदीवली में ही है ये अब आते हैं ये आंध्रा फूड के लिए स्पेशलाइज है अच्छा ये पाकिस्तान तो आज हम लोग थोड़ा वापस साउथ इंडियन खाने जा रहे हैं ये थीम भी पूरी वैसे ही दी है ये बोट है और लुक वाइज भी बड़ा अच्छा यू आन वेट बेटा वेट फॉर मम्मा खाना तो इसकी रेटिंग अच्छी है ही चलिए लेट्स गो इनसाइड भाई झूला भी बड़ा मज़ेदार है लेकिन हाइट थोड़ी छोटी सी लग रही है बट अच्छा एम्बियंस अच्छा है रोहन को थोड़ा साउथ इंडियन फूड का यहाँ का बहुत दिन से आना था और उसको लेट भी हो गया था ऑफिस से आते आते तो हमने कहा कहीं नज़दीक ही जाते तो ये कांदीवली विष्णु शिवम मॉल के पास में ही है कांदीवली ईस्ट में तो अब खाना देखते हैं हम लोग कैसा है रिव्यूज तो अच्छे थे इसके वेरी पाइनएप्पल जूस शो मी युवान का पाइनएप्पल जूस देखो जरा बेटा ये पाइनएप्पल जूस नहीं है और ये आप अभी नहीं पी सकते हो दैट इज आपने इनके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है कब से मुझे वही दिखा रहा है मम्मा आई वांट दिस आ गई है कोली शोरबा माने चिकन शोरबा और मम्मी और पापा पी रहे हैं रसम ये लोग आज वेजिटेरियन है चिकन 65 देखने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है और मसाला पापा ये देखिए मम्मी आचार प्रेमी रसम के साथ में मिर्ची का पिकल खाना भाई ये आ गया प्रॉन्स का स्टार्टर बस देखते ही मुँह में पानी आ रहा है कि हम लोग इतने अच्छे अच्छे आइटम्स खा रहे हैं ये भाई साहब सिर्फ पाइनएप्पल जूस अभी एक पहले लेमन जूस पी अभी पाइनएप्पल जूस ऑर्डर है और ये सूखी रोटी खा रहे हैं और इनको इतना मज़ा आ रहा है भाई मैं इतने सालों बाद एक रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ जहाँ पर स्टील में सब कुछ सर्व कर रहे हैं अभी ध्यान दिया अभी इस पर ये पूरा वो ऑथेंटिक स्टाइल में ही सब सर्व कर रहे हैं केले के पत्ते लगा देते हैं स्टील पे भी ये है आराम का मामला खाना पीना कुछ है नहीं इनको सिर्फ मस्ती करनी जरा इनका स्वैग देखिए ओ युवान व्हाट आर यू डूइंग भाई खाना वाना खा लिया बहुत मस्त था आंध्रा स्टाइल फूड थोड़ा अलग था लेकिन मज़ा आ गया खा के और ऐसा हैवीनेस भी नहीं लग रही थी सो भाई अब हम जाने हैं खाने आइसक्रीम तो युवान सोया इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ पापा मम्मी रोहन गए हैं आइसक्रीम लेने बहुत ये कहीं घर के पास में ही है नाम क्या है अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा युवान ने रोहन बोला कुछ नया खुला है भाई ये आइसक्रीम देखिए कितनी अच्छी रोहन कहाँ पे आए थे नोला चलिए आपको बोर्ड दिखाती हूँ मैं बड़ा टेस्टी है मैंने तो कप मंगाई थी बड़ा मम्मी का देख के ललचा रही हूँ तुम्हारा अलग फ्लेवर है मम्मी का सॉल्टेड बटर पापा मेरा तो पता नहीं कुछ दो दो कलर का है फेरेरो रोशर और वनीला हाफ हाफ फेरेरो रोशर ओ माय गॉड नाइस है भाई ये नोला खुला है बड़ी बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम है इनके पास में और अलग अलग फ्लेवर्स है बहुत ही भीड़ है ज़्यादा भीड़ था हाँ यहाँ पे वेटिंग था ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद हमको आइसक्रीम मिली है रही होकर नवागांव में और ये देखिए मस्त मस्त आइसक्रीम है भाई हमारे यहाँ ऑफिस में ये चार में थी बढ़िया बढ़िया मतलब आजकल आप कुछ खोल दो अगर आपका लक साथ देना तो भाई देखिए अभी इतनी अंदर है बहुत ऐसा मेन रोड पे भी शॉप नहीं है पर इनके जैसे कि है फ्रेंचाइजी टाइप से लिया है इन्होंने बहुत सारे जगह पे है आइसक्रीम में फ्लेवर्स अच्छे हैं लेकिन आप भीड़ देख लीजिए भाई कितनी भीड़ थी ये हमारे घर के पास वाला ही जॉइंट था जहाँ हम अभी लिए हैं चलिए मैं एंजॉय करती हूँ मेरी आइसक्रीम तो ऐसा ही था आज का दिन
शुरू तो किया था कि केक बनाएंगे और वही केक कट करेंगे, लेकिन क्या ना मैं सो गई दोपहर में, और आप लोग अब तक जान ही गए होंगे कि मुझे नींद कितनी प्यारी है, और युवान भी सो गया था, तो हम दोनों सोए हुए थे मस्त एसी लगा के, तो 5 बज गए उसी चक्कर में। सो मैंने कहा चलो बेस तो मैं बना लेती हूँ, आइसिंग आज नहीं हो पाई बिकॉज वो जल्दीबाजी में वो अच्छे से आइसिंग नहीं होता, मुझे चॉकलेट भी नहीं मिला। सो कल यहाँ नज़दीक में दूसरी एक शॉप है तो वहाँ से मैं लेके आ जाऊँ, बिकॉज वो अमूल की चॉकलेट ना इतनी सी चॉकलेट रहेगी और इतनी एक्सपेंसिव रहती तो कोई सेंस नहीं बनता। तो गनाश वगैरह बनाने के लिए मुझे जो नॉर्मल जो कंपाउंड चॉकलेट्स होते हैं या डार्क चॉकलेट का जो बार्स आते हैं वो थोड़ा रीजनेबल भी पड़ जाता है और उनका टेस्ट भी बढ़िया आता है, एक नेचुरल टेस्ट आता है। सो मैं वो लेके आ जाऊंगी और फिर हम लोग बनाएंगे कल केक की रेसिपी। आज का व्लॉग मैं यही करती हूँ खत्म, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा।